हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम एक बोंडा कहते हैं। इसे आप एक पकौड़ा भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये एक बोंडा की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो हमने अंडे को बॉयल करके छील लिया है। ये हमारा 7 अंडा है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक मिक्सर तैयार करेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एग में कट लगाएंगे। तो हम एक एक एग लेंगे और चाकू से इसमें 4 से 5 कट लगा देंगे, ऐसे लंबे लंबे। इससे क्या होगा, अंदर तक अपना मसाला जो है हो जाएगा। फिर हम ड्राई मिक्सचर में अंडे को ऐसे कोट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इसे कोट करके साइड में रख लेंगे। फिर हम दूसरा अंडा लेंगे और उसमें भी हम कट लगाएंगे और इसे भी हम ऐसे मिक्सचर में निपटा देंगे। तो हम सभी अंडे को ऐसे ही कोटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने सारे अंडे को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना बैटर बनाएंगे। तो हमने एक बॉल लिया है, उसमें हम डालेंगे बेसन। तो हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे। दो चम्मच हम राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। 1/4 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। 2 पिंच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक थिक बेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पानी एक साथ में नहीं डालना है, नहीं तो बेटर में लम्स आ जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और ऐसे एक बेटर तैयार करेंगे। हमें इसे एक थिक बेटर तैयार करना है, तो हम पानी बहुत हिसाब से डालेंगे, नहीं तो पतला हो जाने पर अंडे में अच्छे से बेटर नहीं लिपटता है। और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए,
हमने एक थिक बेटर तैयार किया है। हमें एक थिक बेटर तैयार करना है। आप ध्यान से देखिए, हमें ऐसी ही बेटर चाहिए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख लिया है। अब हम तेल को चेक करेंगे, तो उसमें हम थोड़ा सा बेटर गिराएंगे। अब ध्यान से देखिए, अपनी बेटर जो है ऊपर तैर के आ रही है। तो अब हम इसमें बोंडा अपना डालेंगे। पहले हम इसे निकाल दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने बेटर में एक एक एग को डालेंगे और इसे अच्छे से बेटर लगाएंगे। हमें अंडा को हाथ से नहीं डालना है, नहीं तो अंगुलियों के निशान आ जाते हैं। हम इसे धीरे से चम्मच से ऐसे छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, अंगुलियों के निशान नहीं आएंगे। ऐसे हमने अंडे को बेटर में डाला, ऊपर से बेटर डाल दिया। चम्मच से ही हम इसे उठाएंगे और धीरे से अपना तेल में हम छोड़ देंगे। तो एक बार में जितना अंडा आ सके हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो ऐसे ही हम एक बोंडा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे तेल डालेंगे, जिससे क्या होता है, अपना ऊपर वाला भी बेसन अच्छे से सेट हो जाता है। एक साइड से हम इसे एक मिनट तक सेकने के बाद ही टर्न करेंगे। एक साइड से अपना बोंडा जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक बार ऐसे टर्न कर लेंगे। ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी एक बोंडा फ्राई हो रही है। ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब हम दूसरे साइड से भी इसे क्रिस्पी होने देंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अपनी एक बोंडा फ्राई हो चुकी है। अब हम एक एक एग को ऐसे टेढ़ा करते हुए और एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक बोंडा को हम ऐसे टेढ़ा करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सभी एक बोंडा फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब मैं आपको एक एक काट के दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देखिए कितनी क्रिस्पी हुई है, आवाज सुन सकते हैं। तो आप इसे ऐसे काट के भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बोंडा बनकर तैयार है। इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ, सॉस के साथ कभी भी बना सकते हैं। ये बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे आप अच्छे से कट लगा के मैरिनेट कर लीजिए। 2 मिनट मैरिनेट रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसे बेटर में लगा के आप स्पून की मदद से फ्राई कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया बोंडा बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये बोंडा की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।